In der Kanzler mal in die Konne! हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवर्त अग्रवाल है और आज मैं एक शॉर्टिंग का वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और यहाँ पर एक फ्रेश सैमसंग का बोर्ड है और ये बिल्कुल फ्रेश है, मतलब इस पर कोई वर्क नहीं हुआ है और जस्ट इसको रिमूव किया हुआ है, सिर्फ इसका पावर का गेन उठाना है, बाकी इस पर कोई वर्क नहीं हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और CPU के ऊपर का गेन उठाना हुआ है। सो बेसिकली इस पर अभी कोई कंपोनेंट नहीं निकला है और इस पर फुल शॉटिंग है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे विदाउट रोजिंग, विदाउट फोंगकोंग का आपका फोंगकोंग शॉट किलर या विदाउट एनी कोई डिवाइसेस, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। और उसमें हम यूज़ करेंगे DC सप्लाई मशीन, कि किस तरीके से DC सप्लाई मशीन से आप निकाल सकते हैं अपने मदरबोर्ड में शॉटिंग। ऐसे ही अगर मेरे पास हाफ शॉटिंग का कभी कोई आए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, और ताकि आपको हाफ शॉटिंग निकालने में मदद मिले। यहाँ पे मैं आपको पूरी ट्रिकें नहीं बताऊँगा, एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये सारी ट्रिकें जानना है या फिर देखिए कुछ ट्रिकें नहीं होती है, नॉलेज पे काम होता है। अगर आपको पूरा नॉलेज पर काम करना है सही तरीके से, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और तो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए नीचे दिए नंबर पर और आइए और मौका दीजिए अपने आप को ट्रेन होने का, मौका दीजिए हमें अपने आपको ट्रेन करने का, ताकि आप आगे भविष्य में अच्छा काम कर सकें। दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत अपकमिंग एक नई चीज़ हम चालू करने वाले हैं, एक नई क्लास हम अपनी चालू करने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, सो इसकी हम शॉटिंग निकालेंगे, किस तरह से हम इसकी शॉटिंग निकालते हैं, और फुल शॉटिंग है और इसको हम विदाउट रोजिंग निकाल रहे हैं। हो सकता है ये अपने YouTube में कहीं ऐसा कोई वीडियो देखा हो, मुझे पता नहीं, पर मेरे नज़र में नहीं है, पर मेरे चैनल पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं और उनके लिए ये गिफ्ट है, थैंक यू वेरी मच। तो आप देखिए ऊपर स्क्रीन पर, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे एक नीचे मैंने स्क्रीन चलाई है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, और ऊपर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बोर्ड, आई होप कि आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले फुल शॉटिंग या हाफ शॉटिंग आए, सो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बोर्ड पर आई स्कैनिंग करनी है। आई स्कैनिंग मतलब पहले देखना है कि बोर्ड पर कोई जो कॉम्पोनेंट है या कैपेसिटर है वो किसी प्रकार से जला या उस पर कोई कालापन तो नहीं है। फिर आपको देखना है कि वाटर डैमेज के निशान तो नहीं है। वाटर डैमेज के निशान में तकरीबन आपको दूधिया रन हालांकि उसके ऊपर दिखाई देगा, कुछ जंग सी आपको लगी हुई दिखाई देगी, कुछ जिसको रस्ट बोलते हैं, तो बेसिकली वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये आपको सबसे पहले ढूंढना है, और सबसे पहले चलिए हम यही ढूंढते हैं कि कहीं हमें कोई वाटर डैमेज या तो कहीं कोई कॉम्पोनेंट जला तो नहीं मिल रहा है। सो यहाँ कर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेस्ट लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। अगर हम कैपेसिटर की बात, सबसे पहले मैं आपको चलो चेक करके दिखा देता हूँ कि बोर्ड शॉर्ट है कि नहीं है, और मेरा मल्टीमीटर यहाँ पर बीप मोड पे है, आपको मैं बता देता हूँ। आई होप कि आपको ये बीप की आवाज़ आ रही होगी, और ये देखिए मैंने जो रेड प्रोब है इसको मैंने माइनस में लगाया हुआ है, मतलब ग्राउंड पर लगाया हुआ है, और जो ब्लैक प्रोब है इसको मैंने यहाँ पर बताने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर आपको शॉटिंग बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसका प्लस है बीबैक, जिसको हम बीबैक बुलाते हैं, और ये इसका BSI है, और यहाँ पर ग्राउंड है, तो बेसिकली ये आपका शॉट है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये आपको फुल शॉट आ रहा है मोबाइल, और तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम आई स्कैनिंग करते हैं, तो आई स्कैनिंग हमारे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा, जैसे कि एक छोटा छोटा कंपोनेंट। अच्छा, उसके लिए अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है या किसी प्रकार का लेंसेस है तो वो यूज़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपके लिए काम हो जाएगा। तो ये आपका जो सेक्शन है ये आपका पावर सेक्शन है, इसके पीछे पावर IC लगी हुई है, ये आपका CPU लगा है, जाइनॉक्स का CPU है, इसमें आपका
रैम दी हुई है, 2-2-1 रैम है आपकी। इसमें आपका ईएमसी है, ये 2-2-1 आपकी रैम और प्लस ईएमसी दोनों हैं। ये अब देखिए, जैसे एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर कैमरा दिख रहा होगा, तो बेसिकली ये कैमरे को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि जनरली अगर कभी भी आपके फ़ोन में फुल शॉटिंग आए तो आप अपने फ़ोन को बिल्कुल डिसेंबल कीजिए। हो सकता है कई बार कैमरा कनेक्टर के कंपोनेंट पे शॉटिंग मिले या डिस्प्ले कनेक्टर के कंपोनेंट पे शॉटिंग मिले, सो ये बेसिकली हो सकता है। तो हम ये कनेक्टर निकाल देते हैं, देखिए दूसरा कैमरा कनेक्टर भी लगा हो, चलिए एक दूसरा कैमरा, ये देखिए दूसरा कैमरा भी लगा हुआ है, ये कनेक्टर भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो देखिए दोनों कैमरा कनेक्टर हमने निकाल दिए हैं। एक बार अब हम फिर से देखते हैं कि हो सकता है शॉटिंग चली गई हो और कैमरा ही चेंज करना पड़े, या उसको हम चेक कर सकते हैं, पर शॉटिंग गई नहीं है, यहाँ पर अभी भी शॉटिंग आ रही है, जिस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर अभी भी शॉटिंग यहाँ पे आ रही है। चलिए ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपने देखा कि सारे कनेक्टर निकाल लीजिए, डिसेंबल पूरी तरीके से कीजिए, और इस तरीके से जो आपको केन दिखाई दे रहे हैं सील्ड, तो आप उसको निकालिए। ये चेक करने के लिए देखिए, जैसे इस तरीके में निकालिए, नेटवर्क सेक्शन है आपका, इधर आपका 2G और 4G, 2G 3G और 4G का आपका PFO लगा हुआ है, या RFIC है आपकी, ये मेन नेटवर्क IC है, बेसबैंड IC है ये आपकी, इसको IFIC भी बुलाते हैं, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं हम इसको। और इसके ऊपर आपको GPS IC दिखाई देगी BCM की, ये आपकी GPS IC है, और इसी के साथ में यहाँ पर आपको Bluetooth IC यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर इन्होंने अलग से, ये देखिए ये जो इन्होंने BCM का ब्रॉडकॉम लगा के रखा हुआ है, ये भी इनकी वाईफाई प्लस Bluetooth IC है, और यहाँ पे इन्होंने GPS अलग से दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने Lite IC 12 लाख की Lite IC दी हुई है। और इसमें अगर हम देखें, चलिए देखें, तो ये सब कनेक्टर्स वगैरह हैं, ये LDO लगे हुए हैं यहाँ पर, स्विचिंग LDO हैं, और यहाँ पर ये SM दिया होगा, ये आपकी चार्जिंग और फ्लैश LED IC है, और ये आपका मेन पावर सप्लाई है, और ये DC to DC कन्वर्टर भी है इसके साथ। चलिए अच्छी चीज़ है कि आपको बोर्ड की भी डिटेलिंग थोड़ी सी मिल गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आई स्कैनिंग जैसे कि हम कर रहे थे, सो देखिए यहाँ पर कॉम्पोनेंट कहीं पर भी कोई काला नहीं है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कोई कॉम्पोनेंट काला नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके और डिटेलिंग करना चाहता हूँ आपको, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो मैं देख रहा हूँ कहीं पे मुझे रस्ट या फिर दिख रहा हो वाटर डैमेज कैसे, कोई निशान तो यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, ये नॉर्मल पेस्ट है, वाइट पेस्ट है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे, एक्चुअली रात काफ़ी हो गई है, बिल्कुल रात में वीडियो बनाया जा रहा है, और अभी जो बजे हैं वो बजे हैं तकरीबन 12:30 रात के, और 1 बज रहे हैं अभी, तकरीबन 1 बज रहे हैं। तो यहाँ पर लगा है STMPU, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैपेसिटर, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहे यहाँ पर। और तो पहले आई स्कैनिंग ही करें, एकदम से चेक करना ना करें, पहले आई स्कैनिंग करें, देखें पूरी PCB में, यहाँ पर बॉटम बोर्ड में भी जरूर देखें, हो सकता है नीचे आपको, देखो यहाँ पे पेस्ट है पूरा, ये तो क्लियर है, यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी देखो पूरा पेस्टेड लगा हुआ है, यहाँ पर बेसिकली हमको शॉर्टिंग मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर ये LDO भी शॉर्ट हो सकता है, पर अभी हम डायरेक्टली अनुमानित नहीं करते, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से शॉर्टिंग हटाई जा सकती है, और ये विदाउट रोजिंग है और विदाउट DC फोन किलर है। सो इसमें हम यूज़ करेंगे केवल और केवल थिनर। आप लोग चौंक गए होंगे ना, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि ये आपको नॉलेज रहे, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, और ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निक्स इस पर काम कर रहे होंगे। सो हम इसको चेक करेंगे, इस पर ये है थिनर, नॉर्मली थिनर जो आपको बाजारों में मिलता है, और हम क्या करेंगे, हम
जनरली थिनर को हर जगह लगाएंगे, और हर जगह लगा के तो यहाँ पर हमने डीसी मशीन को देखिए यूज़ किया हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं डीसी मशीन को रेड प्रोब यहाँ लगा देता हूँ और ब्लैक प्रोब को यहाँ पर टच करूँगा इस तरीके से। ओके, तो उससे पहले मैं क्या कर लूँगा, थोड़ा सा थिनर लगाऊंगा जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे थिनर लगा हुआ है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा कि बबल्स आ रहे हैं या किसी प्रकार की कोई आवाज़ या किसी प्रकार की आपको धुआँ या ऐसा कुछ भी ना यहाँ पे नोटिस नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। पर अगर देखा जाए मल्टीमीटर से अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको शॉर्टिंग मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि पूरी बिवेट की लाइन है, ये देखिए ये आपको शॉर्ट मिलेगा। अब आपको ये यहाँ पर ये आपको शॉर्ट मिलेगा, ये PFO के पास का कैपेसिटर है। तो एक बार इस पर भी लगा देखते हैं कि क्या ये शॉर्ट है कि नहीं है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसके ऊपर जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल है। IC पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, देखिए बहुत नॉर्मल तरीके से हट रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बहुत नॉर्मल तरीके से यहाँ पर हट रहा है, एकदम से नहीं हो रहा। सो CPU और एक बार इस पर चेक कर लेते हैं, देखिए देखिए कुछ भी असर नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई बबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम आराम से और धीरे धीरे यहाँ पे हट रहा है। सो अब एक बार पावर सेक्शन में चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये देखिए ये कैपेसिटर, जैसे कि आप देखा ये बड़ा कैपेसिटर, इसने पूरा जो थिनर है वो सोख लिया, और ये जो थिनर है वो कम्प्लीटली तरह से, देखो पावर ऐसी शॉर्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे शॉर्टिंग दिखाई देगी, जैसे कि आप इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा पॉइंट को। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट हैं, देखिए ये भी आपको, देखो इस IC का अगल बगल सारे कंपोनेंट यहाँ पे शॉर्ट हैं। अब आप ये वाला कंपोनेंट नोट करना, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है इसको आप नोटिस कीजिएगा। मैं फिर से यहाँ पर थिनर डालता हूँ, देखिए अब इसके ऊपर थिनर डला हुआ है। अब जैसे मैं इसको माइनस में रखता हूँ, देखिए इसने पूरा की पूरा थिनर पी लिया एक तरह से, जैसे देखिए तो ये शॉर्ट हो सकता है। तो हम इसको निकालते हैं और देखते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं है।
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर निकाला है, कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि जो शॉर्टिंग है वो कैपेसिटर के आसपास दूसरे कैपेसिटर में भी हो, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए शॉर्टिंग यहाँ पे अभी चली गई है, मैं इसको डायोड मोड पे यूज़ करता हूँ। अब डायोड मोड पे इसको चेक करते हैं कि इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो देखिए शॉर्टिंग यहाँ पे चली गई है और इसके रीडिंग आ गई है 289। तो यहाँ पर जहाँ ये फुल शॉर्ट था अब यहाँ पर ये ठीक हो चुका है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए फिर से चेक कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर इसकी रीडिंग बराबर आ गई है, ये बी बैक पी रीडिंग आ रही है और अभी ये डायोड रेंज पे है, यहाँ पर ये बी बैक पी रीडिंग आ रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से मैंने शॉर्ट हटाया और अब हम यहाँ पर इस फोन को डीसी मशीन के साथ चालू करते हैं। तो आप देखिए डीसी की मशीन की रीडिंग क्या दिखाती है। आपने देखा होगा कि मैंने इसको 4 पे सेट किया हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पर किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं आ रही है और अब मैं पावर की दबाऊंगा यहाँ पर, तो देखिए अब ये फ़ोन कम्प्लीटली तरीके से बूट कर गया है। तो जो बूटिंग सीक्वेंस है उसने ये हमें पता चल जाता है कि ये बूट कर चुका है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए लोगों। दोस्तों बातों मार्केट में बहुत बहुत तरह तरह की तरीके हैं चीज़ों को करने के। हम डीसी सप्लाई मशीन से बहुत पहले से हटाते आ रहे हैं, 3 एम्पेयर का डीसी मशीन था, फिर 5 एम्पेयर का डीसी मशीन हो गया। सच बताएं तो बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ ही लोगों को ये ट्रिक है पता है, ऐसा पर नहीं है, ये बहुत आम ट्रिक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। आपको तो पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कम सोल्यूशंस निकालता हूँ क्योंकि बेटर ये है कि सोल्यूशंस दो तो सिर्फ अपने स्टूडेंट को दो ताकि वो अच्छा काम कर सके। और क्योंकि कई लोग अच्छे सोल्यूशंस की भी कोई इज्जत नहीं करते और उनके उनके लिए भी ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे खेत में मूली है ना, ऐसा कुछ कहावत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम चीज़ें कहीं से भी थोड़ी बहुत सीख सकते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। जितना हम सीखने को मिलता है उतना हम सीखिए। और सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगे, तो आप बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए जहाँ आपको लगता है कि कुछ तो उन्होंने वीडियो डाला है, क्योंकि थोड़ी बहुत क्योंकि थोड़ा छोटा सा भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एक जो क्रिएटर होता है वो किस तरीके से वीडियो डालता है वो ही जानता है। मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से डिमांड करते हैं कि सर यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, क्योंकि उनको भी यूट्यूब चैनल बनाना है। और जो वीडियो में जो यूट्यूब में भी ऑलरेडी बहुत से यूट्यूब चैनल डले हैं, पर वो अगर हम जिस तरह से हम समझा सकते हैं हो सकता है होपली कि वो यूट्यूब चैनल बनाए और ताकि वो भी अपने दुकान पे काम करके जो अपने दुकान को फेमस कर सकते हैं, अपने आप को फेमस कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा होता है कि लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें और क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से ही सफलता हाथ मिलती है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? आपको बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मानूंगा, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। अब मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी
बहुत अच्छा हुआ। तो आप मुझे बताइए कि 5-9 दिनों में आपका शॉर्ट एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल लेटेस्ट मोबाइल पुराना मोबाइल डेड बूट रिपोर्ट हेल्थ बेड रिपोर्ट जो भी हीरो आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आज की कंडीशन में मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, आईएसपी पिनआउट द्वारा भी कर सकते हैं बिना डेड रिक्स के। जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पेसेट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं, अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पर, एक बार ताली बजा दो इन्होंने, परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात करूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बायर लग चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्पेशल हो रहा था फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए वो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेगी, अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के
और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप सर? इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लेकिन हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। सर ये भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, ये जो हम बोल रहे हैं खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस ग्रुप चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के। मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा स्कूल बिल्कुल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे की मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.